तो देखिए, ये हमारा कलरफुल रेनबो सैंडविच बनके रेडी है और ये गरम गरम बहुत ही अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनीवन कैन कुक पे 10 में। आज हम बनाने जा रहे हैं रेनबो सैंडविच, जो कि बहुत ही कलरफुल होता है, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो आइए फटाफट से बना तो लेते रेनबो हैं। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसन का एक बेसिक घोल तैयार करना है। उसके पहले सबसे पहले हम ले लेंगे एक कटोरी बेसन। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर पकौड़े के लिए, जैसे हम घोल तैयार करते हैं, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, वैसा ही घोल तैयार कर लेंगे। हमने बड़ा चौड़ा बर्तन इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर हम ब्रेड डिप करने वाले हैं, तो हमें इजी रहेगा। इसलिए आप भी चाहें तो एक बड़ा बर्तन घोल बनाने के लिए ऐसा ले सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी हमें पकौड़े के घोल से थोड़ी सी पतली करनी है। तो देखिए, ये रेडी हो गया है। इसे इसके हम बाद साइड हम में रख, ब्रेड की स्लाइस लेके, चार ब्रेड लेने हैं हमें, चार ब्रेड लेके इसकी साइड की स्लाइस हटा लेते हैं। तो रेनबो सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप मलाई। इस मलाई के अंदर हम थोड़ी सी शुगर ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा केचप, थोड़ी सी हरी चटनी और ये ब्रेड की स्लाइस जो हमने काट कर रेडी करी है। तो इसके लिए हम ये जो हमने चीनी डाली है उसे मिक्स कर लेते हैं। अगर आप लोगों को मलाई पसंद नहीं है तो बिलीव मी, ये वाले सैंडविच में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मलाई खा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइस पे केचप स्प्रेड कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी स्लाइस जो कि इस ब्रेड को कवर करेगी, उस पर भी हम केचप स्प्रेड कर लेते हैं। और इससे इस वाली स्लाइस के ऊपर ऐसे बंद कर देते हैं। अब इसके फ्रंट साइड पे हम ये मलाई स्प्रेड कर देंगे। दूसरी स्लाइस लेके इस तरफ भी हम थोड़ी सी मलाई स्प्रेड कर लेते हैं और इसे इस तरह से कवर कर देंगे। इसके फ्रंट साइड पे हम ये चटनी स्प्रेड कर देंगे। इस स्लाइस पे भी हम इस तरह से चटनी स्प्रेड करेंगे। इसे कवर कर देंगे। इसके बाद हम एक कढ़ाई लेकर उसमें तेल ले लेंगे और तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। ये हमारा सैंडविच इस तरह से स्प्रेड होकर रेडी है। अब इसे हमने जो ये घोल, उसमें इस तरह से पहले साइड कवर करते हुए डिप करेंगे, फिर इस तरफ से डिप कर लेंगे ताकि पूरी तरफ से ये बेसन की कोटिंग इस पे हो जाए। इस तरह से हमने ये डिप कर लिया है। एक्स्ट्रा हम इस तरह से निकाल देंगे
देखिए हमारा तेल भी गर्म है, अब धीरे से इसे हम अपने तेल में डाल देंगे। जब एक साइड सिक जाएगी तो इसे हम दूसरी तरफ से किसी स्पून का सहारा देकर टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ से भी सिकने देंगे। इस तरह से हम चारों तरफ से सेक कर टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। इसे हम कट कर लेते हैं। और स्पेस थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेते हैं। तो देखिए हमारा कलरफुल रेनबो सैंडविच बनके रेडी है और ये गरम गरम बहुत ही अच्छा लगता है। इसे किसी के साथ भी खाने की जरूरत है, किसी में ऑलरेडी चटनी और केचप लगा हुआ है। तो आप भी जल्दी से बना लीजिए अपने लिए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।